हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एक और न्यू वीडियो रिलेटेड टू पीसीओडी, एक और नया सक्सेसफुल स्टोरी समृद्धि का जो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा था। आज हम बात करेंगे स्पेशली पीसीओडी के पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में, उसको क्योर कैसे किया जा सकता है, उसके ब्लड टेस्ट एंड जो जो फीमेल्स यहाँ पे हैं जिनका वेट 100 प्लस है, जिनको लगता है कि 90 प्लस हैं और जिनके ड्रीम्स चल रहे हैं अंदर ही अंदर कि कभी हम पतले होंगे, उस ड्रीम में 5-6 साल निकल चुके हैं और आपको लगता है कि आपको एक पुश चाहिए, किसी का सहारा चाहिए अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए। सो मेक श्योर कि आपको किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए, ना आपको किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप सिंपली खुद से घर बैठकर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपना पीसीओडी क्योर कर सकते हो, अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो एंड उसके लिए आपको किसी को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पीसीओडी पार्ट ए। पीसीओडी के अंदर मेजर जो प्रॉब्लम आती है जब जब डिटेक्ट होता है किसी को भी पीसीओडी, सो उसके साथ जो सबसे बुरी चीज़ आती है वो होती है जीरो कॉन्फिडेंस। सबसे पहला बंदा अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देता है क्योंकि उसको इतने मेजर एक्ने होते हैं बैक में, फेस पे, अनवांटेड हेयर और सारा जो करामत खराब करता है ना दिस पीसीओडी, वो करता है आपके फेस की। सबसे पहले आपकी फेस की बैंड बजाता है जो कि एक हमारा को ऐसा लगता है एक प्रेजेंट करने की चीज़ें होती हैं और उसके बाद आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर देगा। आधे लोग पीसीओडी वाले लोग जब अपना मूड स्विंग्स पे रिएक्ट करना चालू करते हैं या तो वो बहुत लाउड होते हैं या फिर वो जब तक एक आधे को थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारेंगे उनकी अंतरात्मा को चैन नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ लाइक पीसीओडी का सिम्टम्स, ठीक है। तो आधे लोग तो ये समझते हैं ये पागल है। पॉइंट है कि उसको गुस्सा इस लेवल तक का आ गया, वो इतना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट अंदर से फील करती हैं क्योंकि उनके जो पीरियड्स का फ्लो है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आता, उनके हार्मोन्स इतने ज़्यादा अनबैलेंस चल रहे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर चुकी होती हैं कि उनका जब एग्रेशन बाहर निकलता है वो बहुत ही लाउड निकलता है। मेरे काफ़ी सारे जैसे मेंबर्स हैं, मैं उन सबसे बात करती रहती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ गुस्सा कितना आता है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है पीसीओडी वालों को ना, जब तक एक आधा बर्तन थाड़ फाड़ करके तोड़े फोड़ते नहीं करते ना तब तक उनको शांति नहीं मिलती। नाउ पीसीओडी को क्योर कैसे किया जा सकता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करी थी पीसीओडी को क्योर कैसे किया जा सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी लाइफस्टाइल, 8 आवर्स की स्लीप, वेट मैनेजमेंट एंड सबसे अच्छी बात स्ट्रेस फ्री लाइफ और अच्छा घर का होममेड खाना। भूखा रह के आप वेट लॉस मत करो, प्रॉपर डाइट अच्छे से खाकर आप वेट लॉस करो जिसको आगे जाके आप अपनी लाइफस्टाइल को ऑप्ट कर पाओ और वेट मेंटेनेंस पे जा पाओ। अगर आपने वेट लॉस क्रैश डाइट करके कर लिया या फिर लो कैलोरी डाइट करके कर लिया वो तो लूज हो जाएगा, आप हैप्पी भी हो जाओगे, बट ऑन दी अदर हैंड जब आपका वेट बाउंस बैक करेगा उस डाइट को छोड़ने के बाद वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। पीसीओडी बार बार आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि आप डाइट पकड़ते हो, बीच में चीट करते हो, फिर पकड़ते हो, फिर चीट करते हो, फिर लैक ऑफ स्लीप आता है। 90% लोग ना डाइट को बीच में छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी से 10 किलो गिरने के बाद सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जैसे कि 100 वाला बंदा है जिसने कभी अपनी लाइफ में अपना वेट 70 नहीं देखा है, राइट, वो 100 भी जीता चला आ रहा है, जीती चली आ रही है 5 साल 6 साल, जब उसका वेट आता है ना 88 85 उसको लगता है वाह मैंने बहुत अच्छा कर लिया, उसके पीरियड्स भी आ जाते हैं। द मोमेंट वो अपनी डाइट छोड़ते हैं बीच में ही वो दोबारा बढ़ेगा, उसके बाद उनके पीरियड्स फिर रेगुलर होंगे, फिर वो दोबारा कहीं ना कहीं इधर उधर भागेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। सो इससे बेहतर अपना टारगेट पे आओ, अपना वेट लॉस करो और उसके बाद ही अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाओ। सो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि पीसीओडी को क्योर करने के लिए और पीसीओडी को पता करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको क्या कराना चाहिए, कैसे पता चलेगा आपको पीसीओडी है। सबसे पहले ना आप अपने फेस पे चेक करो कि अगर आपके फेस पे अनइवन स्किन टोन हो रही है, फॉर एग्जांपल दिस एरिया डार्कर और यहाँ से वाला एरिया जो है वो वाइट। नेक्स्ट इज आपके एक्ने आना, बिल्कुल बिना मतलब के एक्ने आना, वो भी दिस एरिया, इस वाले एरिया में। नेक्स्ट इज आपके अनवांटेड हेयर, वो भी यहाँ से चालू होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अनवांटेड हेयर। आपके बैक में बहुत ज़्यादा एक्ने होंगे, आपके फ्रंट में बहुत ज़्यादा एक्ने होंगे, आपकी पूरी बॉडी पे अनवांटेड हेयर होंगे, जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहाँ पे भी होंगे। सो ऐसे सिचुएशन में आपको ब्लड टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 90% लड़कियाँ जो होती हैं पीसीओडी की पेशेंट, उनको इंसुलिन की भी प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, विच मीन्स आपको प्री डायबिटिक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, फिर भी वो ठोक के मीठा खाई चली जाती है, खाई चली जाती है, इक्वल टू रिजल्ट प्रॉपर डायबिटिक एंड पीरियड्स तो इरेगुलर है, इट मीन्स इक्वल टू आपकी बॉडी की पूरी बैंड बच चुकी है। सो मेक श्योर आप अपने ब्लड टेस्ट प्रॉपर कराएं, मेक श्योर आप अपनी डाइट प्रॉपर लें और
एक हेल्दी वे से अपना वेट लॉस करें। जब आपका वेट लॉस 20 किलो होगा, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सो उसके बाद आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आप अपनी जर्नी को पूरा कवर कीजिए एंड उस चीज़ों को आगे लेकर जाइए ताकि आपका करियर जो है वो आगे बन सके, ठीक है। और ऐसे ही पैसे किसी के लिए भी खराब मत कीजिए। नाउ पॉइंट इज कि समृद्धि वो ना बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहती है रिलेटेड टू अपना PCOD जर्नी के लिए। सो हम पहले समृद्धि को सुनते हैं जी। हेलो एवरीवन, आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट देखा होगा जो सुमन मैम ने अपलोड किया। सो यस, आई वाज 90.6 kgs विथ आई हैड हेल्थ इश्यूज लाइक PCOD, मुझे माइग्रेन था, एसिडिटी था एंड आल्सो मैं प्री डायबिटिक हो गई थी। जब लॉकडाउन हुआ उसके 2 महीने पहले, लाइक फेब्रुअरी में, जनवरी एंड फेब्रुअरी, मेरे पीरियड्स अचानक से स्किप हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार क्यों हो रहा है। सो एंड आई जस्ट टेक्स्टेड सुमन मैम, मतलब एक्चुअली मैं उनके साथ एनरोल करने वाली थी पहले, मैंने सारा प्रोसेस कर लिया था इसलिए मेरे पास उनका नंबर था। तो मार्च में मैंने उनको मैसेज किया कि मैम मेरे ऐसे ऐसे पीरियड्स स्किप हुए हैं, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं जो बोलती हूँ वो टेस्ट करके तू आ जा और लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने करवाया टेस्ट एंड जब रिजल्ट आया तो मैं प्री डायबिटिक थी, आई हैड PCOD। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ हमेशा था कि मुझे कोई भी दवाई लेके मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्योर नहीं करने, खास करके PCOD मुझे बिल्कुल दवाई नहीं लेना है। क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे लड़कियाँ थी, उन्होंने लाइक दे टुक मेडिकेशन फॉर PCOD और उनका स्किन टेक्सचर ख़राब हो गया, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो मुझे मेडिसिन लेके मेरा पीरियड क्योर नहीं करवाना था इसलिए मैंने सुमन नाम के साथ तब एनरोल कर दिया। कमिंग टू द वेट लॉस जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? माई एक्सपीरियंस ऐसे देखा जाए तो इट वॉज़ वेरी गुड, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, लोग आपके सामने बहुत सारा खाना खाते हैं और आपको ऐसे माइंड में आता है कि यार छोड़ दो मैं खा लेती हूँ, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। लेकिन ऐसा कभी मत करना, मैंने भी नहीं किया। बहुत सारे लोग इंसिस्ट करते हैं कि अरे थोड़ा सा खा ले, वेट लॉस जर्नी पर क्या हो जाएगा, इतू से क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपने थोड़ा भी अगर आपने आपके वेट लॉस जर्नी में, लाइक वेट लॉस डाइट में अगर आपने चीट किया तो दूसरे दिन जब आप वेट चेक करते हो उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि 1-2 किलो ड्रेस्टिकली हाई आएगा, लेकिन कभी 0.5 से भी हाई हो जाता है, उससे बहुत आप फिर यू नो नर्वस हो जाते हो। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, कभी कभी ऐसा भी दिन था कि मैं डाइट बहुत अच्छे से करती थी लेकिन मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाता था या इमोशनली पता नहीं, मुझे बहुत मन करता था कि मैं रो देती थी। उसके दूसरे दिन मेरा वेट लॉस हाई, मतलब वेट हाई हो जाता था। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती है। टाइमिंग जब आपके ऊपर नीचे होते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, सामने वाले के ऊपर गुस्सा आता है, आप ब्लेम करना स्टार्ट करते हो कि यार तेरे वजह से मेरा टाइम पर नहीं खा पा रही हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हो। सो हेंस मैम भी बोलते हैं कि आप जब वेट लॉस जर्नी पर होते हो अवॉइड करो लोगों के साथ बाहर जाना, आपका जो डेली रूटीन है वो मत छोड़ना, जैसे आपका ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वो मत छोड़ना। लेकिन नॉर्मली ऐसे तुम हैंग आउट कर रहे हो और ये सब चीज़ें तो वो मत करना, बिकॉज लोग आपके सामने खाना खाएंगे, आपको इंसिस्ट करेंगे कि तुम भी थोड़ा खा लो। माइंड चेंज ईजिली हो सकता है, आप खा भी सकते हो, इसलिए मत जाना। तो मेरा वेट लॉस जर्नी ऐसे था। कमिंग टू माई वेट मेंटेनेंस, आई स्टार्टेड माई वेट मेंटेनेंस फ्रॉम 2021 जनवरी। वेट मेंटेनेंस पे आने के बाद तब भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है कि लोग बोलते हैं कि अरे थोड़ा खा ले, अब तो पतली हो गई है। खा भी लिया मैंने 1-2 बार, लेकिन बाद में ऐसे होता है कि यार रिग्रेट फील हो जाता है कि यार मैंने क्यों खाया। तो 1-2 बार ऐसे हुआ, उसके बाद मैंने ठान लिया, लाइक आई डिसाइडेड कि मैं लोगों के लिए और लोगों के वजह से कभी नहीं खाऊंगी। जब मुझे लगेगा कि मेरा मन है खाने का तभी मैं खाऊंगी, अगर कोई और बोल रहा है कि तू थोड़ा खा ले तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था मेरे दिमाग में ऐसे कभी नहीं था कि मुझे स्मॉल साइज जाना है, ये जाना है, वो जाना है। इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि मुझे मेरे हेल्थ इश्यूज क्योर करने हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस, तो वो मैंने किया पहले। उसके बाद जब वेट लॉस स्टार्ट हो गया, मैं छोटे छोटे साइज के कपड़ों में बैठने लगी, तब और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि चलो यार XXL आ गए, और थोड़ा कर लेते। तो ऐसा करके अभी मैं स्मॉल साइज में आती हूँ। सो दिस इज़ माई वेट लॉस जर्नी।
थोड़े एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ट्रैवलिंग करना था मेरे नानी के घर पे. पूरा वीक का प्लान था हमारा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं वेट लॉस डाइट तो बंद नहीं कर सकती. तो मैंने मैम से तब बात किया और पूरा वीक का सामान जो भी ग्रोसरीज था, इवन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मैंने अपने साथ पूरा कैरी किया क्योंकि आई डेंट वॉन्ट टू ब्रेक माई जर्नी. मेरा एक ही टारगेट था कि जब मेरा मतलब जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद देर वर नो ओपनिंग्स, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ 2020 में, तो मेरा एक ही तब दिमाग में था कि जब मेरा काम स्टार्ट हो, लाइक मेरा करियर स्टार्ट हो, उसके पहले मुझे मेरा वेट लॉस करके ख़त्म करना है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ पूरा क्योर करने हैं. मेरे दिमाग में यही रहता था कि मुझे मेरे टारगेट कंप्लीट करने हैं बिफोर माई करियर स्टार्ट. इसलिए मैंने तब पूरा वीक का सामान कैरी किया था कि भाई मुझे कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए क्योंकि मैं खा लूँगी पूरा वीक. ठीक है, मैं डाइट में नहीं हूँ तो मेंटली एक ऐसे हो जाता है कि चलो खा लो यार खा लो, तो वैसे ही हो जाएगा. इसलिए मैंने अपना पूरा सामान कैरी किया था कि आई डेंट वॉन्टेड एनी काइंड ऑफ ब्रेक, बिकॉज वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस टारगेट जो है, जो भी मैंने टारगेट रखे थे वो मुझे कम्प्लीट करने थे. तो आप भी लोग ऐसे कर सकते हो. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको अगर पॉसिबल है, सो यू कैन जस्ट कैरी योर ओन फूड विथ यू, लाइक रॉ मटेरियल विथ यू. अगेन, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर. मैं होटल बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मेरे आजू बाजू में पूरा हमेशा खाना ही रहता है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना रहता है. लेकिन मैं रोज़ नहीं खा सकती, तो रोज़ खा लूँगी तो वापस 90 किलो के हो जाऊँगी. इसलिए आई मेक श्योर कि मैं मेरा खाना घर से कैरी करूँ. जो भी हो, मैं पूरा प्लान संडे को ही करके रखती हूँ. सब प्री प्लान्ड होता है कि बाबा मैं ये खाऊँगी ये नहीं खाऊँगी. मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आई हैव रिलोकेटेड टू सम अदर सिटी फॉर माई वर्क, सो आई स्टे अलोन, नॉट एग्जैक्टली अलोन विथ फ्रेंड्स. तो मम्मी तो यहाँ नहीं होती है कुछ बना के देने के लिए, ना कोई और होता है, तो खुद ही बनाना पड़ता है. फ्रेंड्स आई मैं ऐसे प्लान करती हूँ कि इतने बजे मुझे उठना है और मैं अपना खाना बना के साथ में लेके जाती हूँ. सो इवन यू पीपल शुड डू दैट. जो भी हो, अपना खाना घर से कैरी करो, बहुत ईजी है कैरी करना. मैंने अपने लिए एक बास्केट खरीदा है, सो दिस इज़ दैट बास्केट. अच्छे से देख, तो ये मेरा बास्केट है, इसमें मैं मेरा डिटॉक्स वाटर कैरी करती हूँ, नॉर्मल वाटर बॉटल, लाइक नॉर्मल पानी का बॉटल कैरी करती हूँ, पूरा एक सेट डब्बे का कैरी करती हूँ जिसमें मेरा लंच होता है, हाई टी, स्नैक्स, एवरीथिंग, वॉट एवर द फूड इज, जो घर का खाना होता है, मैं सारा कैरी करती हूँ. लोग बहुत हंसते हैं कि अरे ये क्या है, इतना बड़ा बास्केट लेके घूमती है. तो लोगों को हंसने दो, मुझे मेरी पड़ी है, मुझे पता है व्हाट आई हैव फेस्ड. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई कैन नॉट यू नो स्पीक ओवर योर. ऐसे नहीं कि दो तीन सालों में हुआ है, बहुत सालों से है. लेकिन इसीलिए लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं. मायने रखते हैं जो बस मेरी फैमिली है, मेरी माँ, मेरी बहन, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज बाकी लोग जो हंसते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लाइक व्हेन यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी, बहुत लोगों को ऐसे लगेगा कि क्या नाटक कर रही है. तो सोचने दो उनको, उनको लगने दो कि हाँ ठीक है आप नाटक कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है. उनका सोचे भाई, आप लोगों को पता है व्हाट लाइक तुम लोग क्या फेस कर रहे हो, तुम्हारे क्या टारगेट्स है. तो लोगों के बारे में कभी मत सोचो, नॉट ओनली इन योर वेट लॉस जर्नी, आप कुछ भी आपके लाइफ में टारगेट्स है, तो लोगों का ओपिनियन मायने मत रखो. जो भी करना है, जो आपको लगता है वो करो, लोगों के लिए कुछ मत करो. इवन आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी वो खुद के लिए करो, लोगों के लिए मत करो. जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली चाहती है, आपके हस्बैंड चाहते हैं, आपकी वाइफ चाहती है, आपका बॉयफ्रेंड चाहता है, आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है, आप लोगों को वो बोल रहे हैं पतली हो जा पतली हो जा, तो पतली मत होना. जब आपको लगे कि हाँ मुझे खुद पतली होना है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्योर करने हैं, तभी करना. दूसरा, कमिंग टू द पॉइंट कि सुंदर लगने के लिए वेट लॉस कभी मत करो. वेट लॉस करो जस्ट बिकॉज जब आप मोटे होते हो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर जल्दी आ सकते हैं एज में. सो हेंस जो भी हो, ऑल द बेस्ट फॉर एवरी वन. थैंक यू सुमन मैम फॉर एवरी थिंग, वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी. मतलब यू आर माई इंस्पिरेशन. मतलब मेरे दिमाग में ऐसी एक ही चीज़ चलता रहता है कि यार मन मैम ने ये किया तो मैं भी ये कर सकती हूँ. सो लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड थैंक यू. ओके जी, सो वेलकम बैक.
सो जिन लोगों को पीसीओडी है, जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ जी समृद्धि की बातें सुन के आपको लगता है कि नहीं जी हम भी कर सकते हैं, देन स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी घर पे ही। किसी भी बंदे को पकड़ो, अपना उसको बताओ कि हाँ ये मेरा डेली का वेट अपडेट ले लो और हम अपना जर्नी चालू कर रहे हैं। लूज योर वेट, फोकस ऑन योर करियर, आगे बढ़ो लाइफ में। एंड देयर इज एन नंबर ऑफ ड्रिंक्स और बहुत सारी यूट्यूब पे मेरी पीसीओडी का डाइट चार्ट है, जिनमें से कोई भी आप पिक कर सकते हो। आप और अदर चैनल से भी, कहीं से भी आप अपना पीसीओडी का डाइट चार्ट जो है वो पिक कर सकते हो और अपना जर्नी चालू कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आप गणित लगा रहे हो 4 साल या 5 साल, या मुझसे होता ही नहीं है, मेरी बॉडी कर ही नहीं सकती, मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो है, ये सब एक ड्रामेबाजी और बहाना है। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आ रही हूँ स्पेशली फॉर डिटॉक्स वाटर या फिर सम न्यू रेसिपीज रिलेटेड टू वेट लॉस, क्योंकि अब सीजन चेंज होता चला जा रहा है, बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, सो उसके रिलेटेड हम कुछ ना कुछ नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप पीसीओडी वाले लोगों को थोड़ी सी अक्कल आई होगी, थोड़ा सा आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होगे, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने के बारे में सोच रहे होगे और थोड़ा सा ठीक करने के बाद अपने करियर के बारे में सोच रहे होंगे। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका सपना होता है मेकअप आर्टिस्ट बनने का, या फिर एयर हॉस्टेस बनने का, या फिर कुछ डिज़ाइनर बनने का, बहुत हेयर ड्रेसर बनने का। पॉइंट इज कि जब आपका वेट लॉस हो चुका होता है, लोग आपके क्लाइंट्स आपसे मिलने आएंगे सिर्फ आपको देखने कि आप रियल में दिखते कैसे हो, आप अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करते हो, ताकि वो आपसे मोटिवेट हो सके। सो आप खुद से अभी बिल्कुल डाउन हो, आप दूसरों को कैसे पुश करोगे? सो पॉइंट यहाँ पे सिंपल है, पहले आप खुद को ठीक करोगे, फिर करियर बनाओगे ताकि आप और लोगों को ठीक कर सको और लोगों को पुश कर सको। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। So I'll see you in my next upcoming video. So take care, bye bye.